भाई सबको नमस्ते। आज अपन काजा पाशा उस्ताद की तालीम को आए। काजा पाशा उस्ताद तालीम कितने साल से चल रहे थे, इन के उस्ताद कौन है, खलीफा कौन है, या पहलवानी कौन कराते, कौन से टाइम की पहलवानी, सुबह के टाइम की और शाम के टाइम की पहलवानी कौन कराते, ये आज मालूम करके दिखाता हूँ। भाई उस्ताद का नाम क्या है भाई? काजा पाशा उस्ताद। और ये तालीम कौन चला रहे भैया एट प्रेजेंट? ये तालीम खलीफा चलाते, सुबह के टाइम पर लई खलीफा है, शाम में उस्ताद चलाते मुमताज़ उस्ताद है। और भैया ये तालीम कहाँ है, मतलब? ये तालीम सैयद अली चबूतरे पे लाल पाशा मस्जिद में। ठीक है भैया। ले रहा हूँ। कड़ी बांगी खा।
सबसे पहले दवा ये भले ये आ रहे बराबर ये बाहर के काम है दवा के ना गर्मन चल चल बैठ जा नमस्ते पहलवान जी। नमस्ते पहलवान जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद लहीक। पहलवान जी, आपके पिताजी का नाम? मोहम्मद महमूद। पहलवान जी, आपके उस्ताद का नाम? ख्वाजा पाशा उस्ताद। पहलवान जी, आप कौन से तालीम से ताल्लुक रखते हैं? पहलवान जी, ख्वाजा पाशा उस्ताद की तालीम। पहलवान जी, आपकी पहलवानी की सफर कैसा चालू हुई थी? पहलवान जी, मेरे चाचा पहलवान थे, मेरे को 12-14 साल का था मैं उस पीरियड में। हम लोग को ले लेके आते थे हमारे चाचा, और उस टाइम पे हम यहाँ ख्वाजा पाशा उस्ताद की तालीम में आए। हमारे चाचा भी पहलवान थे, और हमारे को जब से यहाँ पर मेहनत कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह 71 में वहाँ से कुश्तियाँ भी लड़ना शुरू करे हम लोग। 71-72 में आंध्रा के सिलों में लड़े, और हमारे चाचा रोज़ सुबह उठा के ले लेके आते थे। मसिद्दीक है मेरे चाचा का नाम। फिर हमारी पहलवानी शुरू हुई वहाँ से अच्छी। हम कुश्तियाँ लड़े, हमारे तालीम में 70 पहलवान बोल के थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी पहलवान बहुत अच्छा पहलवानों में से गुजरा। इनका इंतकाल हो गया, मेरे चाचा का भी इंतकाल हो गया। हैदराबाद में 70 पहलवान भी बहुत नाम कमाए। और हम मैं और 70 पहलवान एक ही वजन में लड़ते थे आंध्रा केसरी में। मैं सेमीफाइनल तक आता था, फिर हम दोनों की एक साथ पड़ जाती थी। 70 पहलवान हमारे को जोर कराते थे, हम उनको दे देते थे। 70 पहलवान 2-3 वक्त आंध्रा केसरी बने हुए हैं उनके वेट में, 52 kg में। और दूसरे पहलवाना भी थे 74, 70, 65। उस टाइम पे 74 तो नहीं था, 70 था, 65, 62 ऐसा वेटा थे। वो वेटों में भी बच्चे लड़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लड़े। और उसके बाद में नेशनल को गए 70 पहलवान। उस दौर में नेशनल में मालवा पहलवान था, मालवा पहलवान से फाइनल में टच हुए। और उस टाइम पे जो है सो मालवा पहलवान से फाइनल टच करे उन्होंने, दोनों के पैंटा बराबर आते गए, लड़ाते गए, पैंटा बराबर आ गए। फिर जब वेट करे तो दोनों का वेट भी वैसे ही जाने लगा, तो मालवा पहलवान लंगोट खोल के अपना वजन कम कर लिए एकदम। तो 70 पहलवान ने करे उनको फर्स्ट पीरियड दिए, सेकंड पीरियड नेशनल में टच हुआ। इस हमारे उस्ताद के ने ख्वाजा पाशा उस्ताद के बाद बड़े बड़े पहलवाना गुजरे उस दौर में। उस हमारे से पहले की बात है, बड़े बड़े पहलवान गुजरे, मदार पहलवान है और जुनैद अली पहलवान है, मजीद और उनका क्या नाम है अजीज़ पहलवान है। बहुत बड़े बड़े पहलवान गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। वो मदार पहलवान के पोतरे भी है ना हमारे पास कर रहे हैं, और मदार पहलवान भी अपना अखाड़ा खोले थे, बहुत अच्छे पहलवानों को बनाए उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, बस बच्चे पहलवानी कर लेते थे। महंगाई का दौर था, अपनी अपनी मेहनत करके अपने अपनी जिंदगियां गुजारते थे। पहलवानी से गवर्नमेंट से बच्चों को कोई हासिल नहीं हुआ, यानी पहलवान बनने के बाद में कुश्तियां लड़े तो पहले स्पोर्ट कोटे में कुश्तियां देते थे, जॉब देते थे, और टेलीफोन डिपार्टमेंट में देते थे, रिजर्व पुलिस में देते थे।
अब वो स्पोर्ट कोटा ख़त्म ही करवा ले। हुकूमत भी चाहिए हर तालीमों में देखना बच्चे कर रहे हैं तो उनको क्या फैसिलिटी होना। और अब देखो अब आप यहाँ हमारे पास देख रहे हैं क्या है, मिट्टी है अब की नहीं है, ज़माने की मिट्टी है। और एक ज़माने से ये तालीम कायम है हमारा। मैं यहाँ 50 साल से कर रहा हूँ। मैं मेरे से पहले बड़े बड़े पहलवाना, मैं जब यहाँ पर करता था वो बड़े जो पहलवाना थे वो 70-70 साल के थे। तो उस पीरियड में यहाँ तकरीबन 200-300 साल पुरानी तालीम है। लाल बहादुर शाह मस्जिद है, उनके यहाँ मज़ार शरीफ है, हो सकता है ये मस्जिद भी उन्होंने ही बनाई सो है, हमको उतना सही मालूम नहीं। उनके नाम की तख्ती वहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, दरगाह है उनकी। वो हजरत के लोग हैं ये जो खबर हैं ये उस टाइम पे तालीम कायम करे हुए थे। जब ये तालीम छोटी थी अब हम उसको थोड़ी ऊंची करें, यानी यही बच्चों से पैसे लेके करके। कोई हुकूमत से हमारे को कोई नहीं है। अब ठेकेदार आए, ठेकेदार उस टाइम पे जो सो हमारे टाइम पे डॉक्टर पेशलगढ़ थे, पहचानते होंगे आप डॉक्टर पेशलगढ़ थे, और उन्होंने जो सो अखाड़े चलाते थे, फिर भी खुले दंगला कराते थे। उस टाइम पे 1 रुपया टिकट लगाते थे, एक एक कुश्ती के पीछे हम लोगों को 40-35 रुपये ऐसा देते थे उन्होंने। उसके बाद में कन्हैया पहलवान वो लोग लिए हाथ में, वो लोग भी दंगल अच्छा चलाए, और ऐसी पैसे ऐसे ही मिलते थे। कोई सहूलत उन लोगों से भी नहीं मिली, जैसा कि कोई अच्छा पहलवान है उनको ले गया के जॉब में दिलाएंगा, जॉब कराएंगा, इसमें वो मिनिस्टरों को बुलाएंगा, जैसा स्पोर्ट मिनिस्टर रहता वो बुला के बता के उनको बच्चों को फैसिलिटी देने का कोई वो नहीं है। यानी बच्चे एक शौक को कलर ही समझ जाओ। अगर ये बच्चों को अगर उनको हुकूमत से कुछ सपोर्ट मिला कुछ और आगे बढ़ते। अब देखो एक बच्चा हमारे पास यहाँ सिविल इंजीनियर है, कहाँ है वो बच्चा, सुभान पहलवान है, वो नेशनल 2 ओवर टच करा बच्चा हो, और ये वधर पहलवान का पुत्रा भी 2 ओवर टच करा, और एक बच्चा है बशीर बोल के वो भी टच करा नेशनल को टच करे। उनको फैसिलिटी अगर है तो और आगे बढ़ते, फैसिलिटी कुछ नहीं है। अब ये मट्ठी में करके हम मैट पे लड़ते आके, हमारे पास मैट भी नहीं। हाफिज उस्ताद के बच्चे तकरीबन वो लोग 50 दंगला तक कराए हुए हैं आज, और बेहतरीन दंगला कामयाब दंगल कराए वो लोग, और वो दंगल वाले भी बच्चे बीच में रोक दे रहे। वो गुरुजान देते थे अच्छा एक एक वेट में, जैसा कि टाइटल का बोल के एक लड़ा आते थे 62 का 57 बाल केसरी बोल के 2-3 गुरु जी रखते थे, हर दंगल को रखते थे वो लोग, वो भी रुका दिए। वो कौन रुकाए ये नहीं मालूम। और मैं किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उन्हें कौन रोक रहे क्या है, वो बच्चे भी नहीं बोलते, पर वो क्या है वो गुरुज के हिसाब से बच्चों को थोड़ा दिलचस्पी बढ़ रही थी। चलो भाई वो बच्चे जो है अरे गुरुज में लड़ेंगे अच्छा अपने को मिलता बोल के। अब वो बच्चों गुरुज का छोड़ो, कम से कम दंगला तो भी बच्चे को कराते रहे, तो वो हाफिज उस्ताद कराते थे वो भी दंगला बन हो गए बराबर। अब इससे पहले जफर पहलवान भी जो है सो एक दंगल कराए थे अशरफ मदरसे बोल के, उसके अंदर माँ भी लड़ते थे बच्चे आके, उन्होंने भी नहीं करा रहे। अब उन्होंने भी कराना ना, उनका भी खुले दंगलों में थोड़ा कराते रहे बच्चों को, हिम्मत अफजाई होती। और स्पोर्ट कोटे से क्या मिलता तालीम वालों को वो दिलाना, ये जैसा कि जफर पहलवान है और भी विजय कुमार पहलवान है, ये लोग जो है सो प्रेसिडेंट है ना, ये लोग कराना कोसा दंगल में क्या नहीं है क्या है ज़रा देख के कुछ तो भी दलाना दिलाना। अरे हमारे पास देखो मैट भी नहीं है हमारे पास, हम मट्ठी में लड़के हम मट्ठी में जोर करके जाके वो टूर्नामेंट लड़ते हैं मैट के टूर्नामेंट पे लड़ते। तो ये लोग को चाहिए भाई ज़रा हेल्प करना, गरीब बच्चे रहते बस। हर तालीम में पैसे वाले तो नहीं होते ना, सही बोले, हर तालीम के लोग पैसे वाले तो नहीं होते, बस तालीमा ऐसे गरीब तालीमा है। अब बात ऐसे भी है एक दो कुश्ती लड़ लिए दंगला खोल लिए वो लोग, उनका ने पैसा है वो लोग खोल लिए, उनकी वो आहू भगत होती, पुराने तालीमा को पीछे कर दे रहे वो लोग उस्ताद। अब हमारी तालीम का अगर कोई जाके एक दो कुश्ती लड़ा उसका ने पैसा है जाके अगर तालीम खोल लिया
तो क्या उन्हें पहलवान है, उन्हें खलीफा है, उन्हें कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, और नामों पे लड़ा ले रहे। उस्तादा किधर जा रहा, पुराने उस्तादों को क्या भूल जाते, बाप है हमारा, बाप ही रहता बराबर, क्या 10 बाप रहते क्या? नहीं, फिर वो एक बाप के नाम से लड़ना मरे दम तक। देखो मैं हूँ, मैं लड़ा, हाँ मेरा बेटा लड़ा, अब मेरे नवासे हैं या वो नवासे भी लड़ रहे हैं उस्ताद के नाम पे। हाँ सुबह में मैं यहाँ की तालीम का ख्वाजा पाशा उस्ताद की तालीम का खलीफा हूँ, और मेरे को यहाँ पर खलीफा बनाए, मेरे को और अजीज़ पलवाल को, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद वाली तालीमों को दावत दी है उस्ताद हमारे बड़े उस्ताद। हमारे बड़े उस्ताद की उम्र 107 साल थी, ख्वाजा पाशा उस्ताद की, उन्होंने दावत दे के यहाँ पर पूरे तालीम वालों को बुला के हमारे को पगड़ी बनाने लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कौन बनाए वो खलीफा, कौन है करे, ऐसा नहीं, पूरे तालीम वालों को बुलाए, कन्हैया पहलवान की पूरी तालीमों को, पूरे बेगम बाजार की पूरी तालीम यहाँ पर आए, बराबर आके जो है सो पगड़ी बने, हमारे को या खलीफा बनाए, अजीज पहलवान को खलीफा बनाए, अब उनका इंतकाल होगा। मदार पहलवान है, ऐसे बड़े बड़े पहलवान गुजरे भाई हमारे पास। पहलवान जी, ये ख्वाजा पाशा उस्ताद कितने साल से चल रहे थे यार, इसके खलीफा कौन है? देखो ख्वाजा पाशा उस्ताद तकरीबन, अब मैं जब से उनको देखो 107 साल की उम्र थी उनकी, मैं जब करता था यहाँ, अब उनका खलीफा बाद में मेरे को बनाए, अजीज पहलवान को बनाए। जब मेरी उम्र थी होंगी, मैं समझता हूँ 40 साल, जब पहलवानी मेरी ख़त्म पे थी, 40 साल की उम्र थी होंगी जब मेरे को बना, 107 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, अजीज़ पहलवान को मेरे को यहाँ खलीफा बनाए सोया। और ख्वाजा पाशा उस्ताद के बेटे हैं मुमताज़ पाशा, वो रात में देखते हूँ, रात के बच्चों को उन्होंने देखते, सुबह में मैं देखता हूँ, और वो बहुत से बच्चे ऐसे आते जाते रहते भाई, और बच्चों को दिलचस्पी होना, बच्चे आना करना, और कब होता है ये दंगला चालू रहते होता, टूर्नामेंट होते रहते होता, टूर्नामेंट ही नहीं करा रहे तो बच्चों को दिलचस्पी कहाँ से। बराबर पहलवान जी, आपके पहलवानी के सफर में आप कौन से कौन से दंगला लड़े थे पहलवान जी? देखो भैया आंध्रा केसरी जब होती थी, साल को साल होती थी, देखो हम 71, 72, 73 तक 74 तक लड़ते रहे, आंध्रा केसरी में लड़ते रहे, और हमारे को मेरे को प्रेस नहीं लगा, अपन हमारे पीर भाई को प्रेस लगते रहा, और दूसरे बच्चों को वेट हो वालों को भी लगा, और जो है सो खुले दंगल होते थे बहुत ज़्यादा, खुले दंगलों में हर तालीम वालों से कुश्तियाँ होते थे, जब देख के एक दूसरे को देख के हाथ मिलाते थे, कुश्ती लड़ते थे हम। पहलवान जी, आपके पहलवानी के सफ़र में आपके पहलवानी कौन कराते थे, आपका गिज़ा क्या खाते थे पहलवान जी? देखो भाई हमारे पहलवानी के टाइम पर हमारे वालिद थे, मेरे वालिद इनकम टैक्स में थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौर से, हमारे वालिद को भी शौक़ था मैं पहलवानी करता हूँ, बल्कि मेरे को जो भी है दूध मस्का एक रातब लगा दिए थे वो, और फिर मेरे को बोलते थे हमारे वालिद और मेरे भाइयाँ थे, मेरे को बोलते थे, हमारे पास घर के पास एक गौलन थे, वो गौलन को बोल दिए थे भाई इसको मस्का और दूध दे देना, तो मेरे को बोलते थे घर में चाट ले, वो दुकान में चाट लेके पी लेके आना, घर को नहीं लाना बोलते थे। इसलिए मेरे और भाइयाँ थे छोटे, मैं खाया पिया तो वो भाइया नहीं देखना, अच्छा नहीं दिखता, मेरे एक भाई को खिला रहे एक भाई को नहीं खिला रहे, मेरे बाबा में ऐसी फितरत थी, पहलवानी का शौक था, पहलवानी करता मैं बोल के मेरे को खिलाते पिलाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते घर के थे, मेरे को कोई फिक्र नहीं थी, मेरे वालिद साहब खुद इनकम टैक्स में थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पहलवानी हुई, मेरे चाचा भी इनकम टैक्स में थे, उन्होंने हमारे को उठा के लाते थे कराते थे, मोहम्मद सिद्दीक़ है मेरे चाचा का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हम, इसके बाद में हम यहाँ आते रहे करते रहे, हम जोर करे रहे, हमारे उस्ताद देखे, उस्ताद देख के हमारे को खलीफा बना दिए, भाई मेरा कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं बेटा, तेरे को अजीज़ पहलवान को दोनों को एक साथ खलीफा बनाता हूँ, बल्कि खलीफा बनाए, मैं इस तालीम का खलीफा हूँ, और ये बच्चों को लेकर चल रहा हूँ मैं। और शाम के टाइम मुमताज़ भाई है हमारे उस्ताद दादा यानी उस्ताद के बेटे है, उन्होंने देखते रात में तालीम, सुबह में मैं देखता हूँ, शाम में उन्होंने बैठते, अच्छे आसिफ पहलवान है और नूर अजीम खान उस्ताद के तालीम के
वो भी आके हमारे पास ज़ोर करते थे यार, वो भी बच्चा हमारे पास ही ज़ोर करके खुशियाँ लगता था। पर शागिरद अज़ीम खां उस्ताद की तरह हमारे पास ये है, कोई दूसरी तालीम का है हमारे नाम से लड़ो बल्कि हम नहीं बोलते थे, नहीं तुम्हारे उस्ताद के नाम से लड़ो, तुम ज़ोर यहाँ कर रहे ना भी तुम्हारे उस्ताद के नाम से लड़ो। वो भी अच्छा बच्चा था, अपने हमत लड़ा और क्या है आसिफ है, कई ऐसे निसार बारकस का बच्चा है, बहुत बेहतरीन पहलवान इमरोस है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े पहलवानों बन के गए हमारे बच्चे के हाथ पे पूरे ये करे ये जो। और अल्लाह के फजल से हम जहाँ भी लड़े कामयाब होते गए। फलां जी, आज के युवा पीढ़ी को आप क्या एडवाइस देना चाहिए? क्या एडवाइस देना है भाई बच्चों को, हम तो ये बोलते देखो बेटा हम करें अच्छा करें, आप लोग भी करो और आगे बढ़ो, ये नको सोचो यहाँ हमारे पास मैट नहीं है हमारे पास वो नहीं है, अरे अपन मट्टी में क्या रोड पे भी जोर कर लेके लड़ जा सकते, करने वाले के ऊपर है। बराबर, सबसे पहले क्या है थोड़ी मेहनत करना, खाली आके जोर कर लेके मैं पहलवानी करके कुश्ती लड़ूंगा बोले तो नहीं होता। मैं आजकल के बच्चों को यही बोलता हूँ आओ थोड़ी मेहनत करो, डेली आना, एक दिन आके आठ दिन गायब हो गए उसका बेकार है। पहलवान जी, अपने इंडिया में लड़कियों की पहलवानी नॉर्थ में एक टॉप लेवल पे चल रही, जैसे अपने तेलंगाना में पहलवानी लड़कियों की बहुत कम है पर लड़कों की बहुत अच्छी लेवल पे, आपके हिसाब से लड़कियों की पहलवानी को अपने तेलंगाना में आगे बढ़ाना चाहिए क्या? बराबर बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी बढ़ाना चाहिए। स्पोर्ट स्पोर्ट को देखना, स्पोर्ट के कोठे से जाना, अपन स्पोर्ट में कोई लड़की नहीं लड़का नहीं कुछ नहीं, उसको जो है सो डेवलप करना। लड़की है तो क्या होगा उसको क्या पीछे कर देंगे अपन? नहीं कराना, अगर उसको शौक़ है बराबर, ज़बरदस्ती लाके नहीं कराना। वो अगर लड़की को शौक़ है, अगर उन्हें पहलवानी करना चाह रही तो कराओ भाई, अपनी अपनी इख्तियारी बात। और स्पोर्ट में क्या है मालूम है, हिंदू मुस्लिम ये वो नहीं देखना, बराबर स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखना। कोई बच्चा अच्छा लड़ा अच्छा लड़ा बराबर, उसकी तारीफ करो, सही बोल, चाहे वो कोई भी मज़हब पर रहें दो, अगर उन्हें अरे उन्हें ऐसा लड़ा उन्हें, ये स्पोर्ट में नहीं है, स्पोर्ट में सब बराबर सब लेवल। पहलवान जी, जैसे आप अपने हैदराबाद में एक यूट्यूब चैनल चालू करके पूरे बड़े पहलवानों के और तालीमों के इंटरव्यू लेके उनके कैसा बुरी हालत कैसी थी अच्छी हालत कैसी थी बोले मालूम बात करो, आज आपके कहना हो तो आपको कैसा फील हो रहा? हमारे को इतना अच्छा फील हुआ, आप जैसे बच्चे आके हमारे पास इंटरव्यू ले रहे तालीम में, और आपकी वजह से शायद हो सकता हमारे में क्या हमारे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, यानी मिनिस्टरों को भी मालूम होना और जो दूसरे जो प्रेसिडेंट रहे हैं उन लोगों को भी मालूम होना उनको क्या सहूलत होना, ये आपकी वजह से हमारे को जाता है मैसेज। अब हम जाके किसी का नहीं बोल नहीं सकते, हमारे को क्या ज़रूरत है किसी का जाके बोल भाई हमारे पास मैट नहीं है वो नहीं है हमारे को दिलाओ बोल के, हम बोले तो कोई सुनने वाला नहीं है। शायद हो सकता आप ये अगर इंटरनेट पे डाले या कहीं पे भी डाले, आजकल यही चल रहा है इंटरनेट पे सब मालूम हो रहे, अगर आपकी वजह से किसी मिनिस्टरों के उस पर कोई प्रेसिडेंट के कानों पे जूं चढ़ी तो कुछ तो भी हमारी मदद करा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे क्या हमारे खाने को नको दो भाई हाँ, या तालीम के बच्चों के वास्ते हम ये करते हैं, मैट नहीं है हमारे को मैट दिलाओ बोलो बराबर, फिर बच्चों को फैसिलिटी होना कुछ तो भी करे तो ये बच्चा ये तालीम का, अब इतने बच्चे ये बच्चों में कौन बच्चा कैसा बनता नहीं बोल सकते ना भैया, कौन बच्चा आगे जा सकता, जाके वहाँ पर नेशनल में भी लड़ सकता ओलंपिक में भी लड़ सकता बराबर, और नेशनल में तो लड़ रहे हैं बच्चे ओलंपिक में भी जा सकते भाई, हरियाणा दिल्ली वहाँ के बच्चे हैं क्या अच्छे, यहाँ भी है बच्चे, पूरे हैदराबाद में है पूरा तेलंगाना में है बच्चे, उन लोग नहीं लग जा सकते क्या? पर सब बच्चों को सपोर्ट करना, सही बोल, खाली आओ भाई वहाँ स्टेडियम है ना आओ बोले तो, अरे यहाँ ही नहीं आते घरों के पास बच्चे तो स्टेडियम में आते क्या? कोचेस है, कोचेस भी जो है थोड़ा देखना कौन बच्चा क्या है क्या नहीं, कोचेस बन रहे हैं कोचेस भी है, कोचेस का भी काम है थोड़ा अच्छे बच्चों को देखना करना आगे बढ़ाना, सही बोल, अगर कोई बच्चा अच्छी कुश्ती लड़ रहा टूर्नामेंट में तो उसको बुला लेना भाई तू लड़ यहाँ यहाँ जोर आगे कर हम तेरे को डेवलप करते, हाँ उसको आगे बढ़ाने
ये नहीं देखना भाई स्पोर्ट में उसकी ज़ात इसकी ज़ात नहीं देखना, स्पोर्ट स्पोर्ट की नज़र से देखना। अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो उस हमारे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जो है खराब बोलने वाला हूँ, सही बोल सीधी सीधी बात करने वाला हूँ मैं। हमारे को क्या करना है भाई, किसी बच्चे से क्या हमारे को आमदनी है? नहीं। या इतने बच्चे बैठे पूछो, कोई बच्चों से पूछ ले, ये अभी हम ये मस्जिद के वास्ते हम मेंटेनेंस करते हैं बच्चों से, उससे हटके कोई कुछ देते रहे कुछ लोग यही मेंटेनेंस कर लेते हैं, 100-100, 200-200 रुपए ले लेके मस्जिद को किराया भी दे लेते हैं, हम सब कर लेते हैं। हम लोग अल्लाह का घर है ये हमारा, हमको इसको साफ सुथरा रखना ज़रूरी है हमारे। सही बोले, समझे? कोई किसी से हमारे कोई अब ये बच्चों से कोई भी एक रुपया हम इजाफा नहीं लेते सिवा फीस के। आला।